नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग साथियों, चाय पे चर्चा आपका स्वागत है। फ्राइडे का दिन है आज और इम्पोर्टेंट डे है, शायद कुछ आरबीआई का भी इवेंट है। मुझे अच्छे से नॉलेज है नहीं, बट मैंने पढ़ा अभी कहीं तो आरबीआई वाला इवेंट है। तो आरबीआई वाला जब इवेंट होता है तो मार्केट रुक जाता है। वो फिर जनरली क्या करता है, जैसे ही वो अपना बोल बांध के हट जाता है, एक सडन स्पाइक आता है उसमें, स्पाइक बोलिए, या जो नीचे की तरफ 200-300 पॉइंट आता है बैंक निफ्टी में, या ऊपर की तरफ 200-300 पॉइंट आता है बैंक निफ्टी में, ठीक है। और फिर उसके बाद जो ट्रेंड बनता है वो टोटली अपोजिट बनता है पूरे दिन के लिए। तो पिछली बार जब आरबीआई वाले चचा आए थे तो मार्केट गिरा था, तो हो सकता है इस बार मार्केट नीचे की तरफ गिरा के उठा दिया जाए, ठीक है, एज पर साइकोलॉजी ऐसे हो सकता है। चलिए हम बात करते हैं यूएस मार्केट की। निफ्टी फ्यूचर अच्छा खासा ऊपर है, तो फ्लैट टाइप की ओपनिंग ही हमको देखने को मिल रही है, क्योंकि वैसे ही डिस्काउंट में है 30-40 पर। देखेंगे तो एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है, हाँ तो खुलना चाहिए 700-780 के लगभग खुलना चाहिए, क्योंकि वैसे ऑलरेडी डिस्काउंट में है। देखते हैं खुलता कहाँ है मार्केट, वो देखते हैं। कल डाउ जोन्स ने एक चीज अच्छी करी है भैया, 458 पॉइंट नीचे की तरफ गिरा है, और जो कल इसने लो लगाया था वो लगाया था 28,977, और जबकि प्रीवियस डे का जो लो था इसका वो 28,959 या 891 ऐसे कुछ था। मतलब जो ये कैंडल बनी है इसने पिछले दिन के लो को नहीं ब्रेक किया, लास्ट दिन के लो को नहीं ब्रेक किया है, और क्लोजिंग ऊपर दी है। देखना पड़ेगा मुझे चार्ट खोल के, क्योंकि हाँ लो को नहीं ब्रेक किया है, लो तो इस दिन यहां पे बना ही रहा, ठीक है, और ऊपर की तरफ इसने क्लोजिंग दी है। तो शॉर्ट नहीं करके जाना है, नैसडेक ने पर चलिए अपने मार्केट की बात करते हैं, क्योंकि चार्ट को पूरे खोल के देखना पड़ेगा इसमें। हम जहां भी खुलेंगे जैसे भी खुलेंगे, हमारी आज की क्लोजिंग एक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम क्लोज कहां करते हैं। दूसरा, हमारी 6 कैंडल लगातार रेड बन चुकी है, तो एज पर गैन उस्ताद किसी भी दिन एक ग्रीन कैंडल बन सकती है, ठीक है। बिलो 780 के बिलो बी ऑन सेल साइड आपका टारगेट है 16,700 और 16,680-650 इस जगह पे, 680-650 इस जगह पे कंप्लीटली एग्जिट करिएगा। कंप्लीटली एग्जिट, अगर आपके पास किसी भी प्रकार की कैसी भी पुट है, तो आप कहीं से भी कैसे भी सेल करके बैठे हो, तो क्योंकि फ्रेश सेल इसके बाद 16,600 के नीचे ही है, और जब मैं निफ्टी को उस लेवल के नीचे आज देख नहीं रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि 16,600 टूटेगा आज। हाँ कुछ ऐसा ही बिल्कुल एक्सट्रीम ही गंदा नहीं बोल देता शक्तिकांत उस्ताद जी, अगर बिल्कुल ही ख़राब नहीं बोल देते तो मुझे नहीं लगता कि मार्केट 16,600 को तोड़ेगा। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं, बैंक निफ्टी भी 37,100-37,200 ये सपोर्ट का जोन रहेगा। इसके आसपास 37,500 के बिलो सेल करिए, 37,200 के आसपास कवर करिए, इतना ही शॉर्ट करना है, इससे ज़्यादा शॉर्ट नहीं करना है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। फ्रेश शॉर्ट 37,200 के बिलो ही करना है, और टारगेट उसमें फिर 150-200 पॉइंट ही हैं, उससे ज़्यादा नहीं है। तो कुल मिला के आपको जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, सेल करके ट्रेल और बुक बहुत जल्दी करना है, सेल करके ट्रेल और बुक बहुत जल्दी करना है, और ये मेरे ख्याल में 11:30 इससे पहले पहले चीज़ें हो जानी चाहिए, उसके बाद मार्केट में एक तेज़ी आ सकती है, उसके बाद मार्केट में एक तेज़ी आ सकती है। वो तो लाइव मार्केट में आपको मैं बताऊंगा क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, एंड वेरी मच ये चीज़ें डिपेंड करेंगी कि आपके आरबीआई गवर्नर क्या बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसा ना हो बिल्कुल ही कुछ गंदा बोल दिया जाए तो मार्केट कहाँ रिवाइव करेगा फिर। अब थोड़ा सा बॉन्ड यील्ड भी देख लेते हैं, मैंने देखी नहीं है, मैं सो गया था कल बहुत जल्दी।
बॉन्ड यील्ड भी कूल ऑफ ही है, कोई ज़्यादा खास फर्क है नहीं, 3.9 के आसपास चली गई थी। ठीक है, अब फर्दर गिरावट के लिए बॉन्ड यील्ड को भी चार को टापना पड़ेगा, 3.79 है, 4 को क्रॉस करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, मैंने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करी है, उस चीज़ पे फोकस करिएगा, लेवल्स पे फोकस करिएगा। इन केस निफ्टी 16,825 के ऊपर रहता है तो फिर आपको बाय करना है 25 से 30 पॉइंट का ऐसा लगा के। इन केस निफ्टी 16,780 के नीचे रहता है तब भी आपको 25 से 30 पॉइंट का ऐसा लगा के उसको सेल करना है, बस ये आप समझ लीजिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।